सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने विंडोज को कैसे रीसेट करें बिना किसी डाटा लॉस के। एंड गाइस, ये आप विंडोज 10 एंड विंडोज 11 में दोनों में कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देख के उसके बाद आप अपने विंडोज़ को रीसेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अपने विंडोज़ को कैसे रीसेट करना है बिना किसी डाटा को लॉस किए। सो गाइस, आई एम सत्य एंड यू आर वॉचिंग ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे मैं विंडोज 10 को यूज कर रहा हूँ एंड विंडोज 11 में बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ से हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस, यहाँ से उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी का, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिकवरी का, तो सिंपली हमको इस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर रिकवरी पे एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट दिस पीसी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट दिस पीसी लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, तो सिंपली हमको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, कीप माई फाइल्स एंड रिमूव एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप कीप माई फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं विंडोज़ को रीसेट करना और आपका कोई भी फाइल डिलीट ना हो। सो गाइज, यहाँ से मैं रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे फाइल डिलीट करना है। एंड गाइज, उसके बाद यहाँ से आपका ये ऑप्शन होगा लोकल इंस्टॉल एंड क्लाउड इंस्टॉल। तो हमें क्लाउड नहीं करना क्योंकि हमें ऑनलाइन इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो हम लोकल री इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। एंड ये हमारा क्या होगा, उसी विंडोज़ को रीसेट कर देगा बिना किसी चीज़ को डाउनलोड किए। एंड यहाँ पे आपका करंट सेटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मगर आपका क्या क्या यहाँ पे डिलीट होना चाहिए। तो जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लीन डाटा, अगर आप चाहते हैं जो डाटा है वो क्लीन हो जाए तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे अगर आपको डाटा नहीं क्लीन करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ से डिलीट फाइल्स फ्रॉम ऑल ड्राइव्स। अगर आप चाहते हैं सभी ड्राइव्स के डाटा को डिलीट करना तो सिंपली इसको भी यस कर सकते हैं, वरना नो कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं नो करूँगा। एंड उसके बाद लास्ट है डाउनलोड विंडोज़। तो यहाँ से अगर आप विंडोज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, तो इसको भी मैं नो करूँगा क्योंकि मुझे रीइंस्टॉल करना है। एंड यहाँ से उसके बाद मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आपको फिर से वही ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पर आपको फिनिश कर देना है। तो गाइज, यहाँ पे जब हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन होगा रेडी टू रीसेट दिस पीसी। तो यहाँ पे आपको रीसेट पे क्लिक करना है, तो ये आपका कंप्यूटर जो ये रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होना शुरू होगा। एंड उसके बाद आपका कंप्यूटर जो धीरे धीरे रीसेटिंग होगा। तो यहाँ पर ये मैं इस पर रीसेट पर क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइस, यहाँ से मैं अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ आपको। रीसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरा जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्टिंग हो रहा है। एंड गाइस, रिस्टार्ट हो जाने के बाद यहाँ से कुछ ऐसा इंटरफेस है, यहाँ पे प्लीज़ वेट लिख के आएगा। एंड गाइस, उसके बाद आपको शो करता है रीसेटिंग पीसी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लेने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो आपका सारा डाटा है, डाटा को आपको रखता है बट पीसी को रीसेटिंग करता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेता है, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दिया, कट कर दिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी प्रोसेस होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे धीरे धीरे आपको अपने पीसी को छोड़ देना है कुछ देर तक, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। तो सिंपली यहाँ से आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं यस पे क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड के लेआउट को सेट कर देना है, तो यहाँ से हम इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे इंडिया होगा तो उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ से इस लेआउट को हम स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, ये भी हो गया। यहाँ से आपको अपनी वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ से आप इसके जो डिस्कवर फीचर होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं, इनको हटा देंगे। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। एंड यहाँ से आप अपने पीसी का नेम देंगे, जो भी आप नेम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने नेम को इंटर कर देता हूँ एंड नेक्स्ट करूँगा नेम को डालने के बाद। एंड यहाँ से आप अपने पासवर्ड को भी सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, मैं पासवर्ड नहीं डालना है मुझे। तो यहाँ से सभी को एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर देना, जो भी यहाँ पर ऑप्शन आता है उसको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हाई शो होगा, मतलब आपका जो पीसी है वो रीसेट हो चुका है। एंड यहाँ से आपको थोड़ा देर इसको डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने में लगा था, एंड मतलब पीसी को ओपन करने में टाइम लेता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। एंड ये जो आपका पीसी है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है।
ये आपका रीसेट हो चुका है, तो कुछ इस तरह से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो पीसी है वो ओपन हो चुका है। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, इसमें जो सारा एप्लीकेशन होता है जो आप इंस्टॉल किए होते हैं एंड जितने सारे सेटिंग्स होते हैं वो सब रीसेट हो जाते हैं और एप्लीकेशन सभी डिलीट हो जाते हैं, तो आपको सभी एप्लीकेशन को फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। एंड गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस टुडे इन दिस वीडियो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।